नमस्कार, मैं हूँ जॉय तपाक, द न्यूली अपॉइंटेड बीएलसी प्रेसिडेंट ऑफ 37th वेस्ट पासीघाट। आज मैं ये बताने के लिए यहाँ में आया हूँ कि हम लोग का मंडल का वजह से हम लोग 3 तारीख को हम लोग मंडल के लिए, मंडल का अगेंस्ट में, मंडल का विरोध में हम लोग कुछ कदम उठाए थे। तो उसी समय में उसी के लिए हम लोग कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भी हम लोग तैयार किए थे। तो मंडल को ये के 21 तारीख अक्टूबर को उसी के दौरान फिर से वो हम लोग का काम शुरू ही नहीं हुआ था, तब मंडल या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने मंडल को फिर से रीअपॉइंट कर दिया है, बिना इलेक्ट किए हुए डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसको रीअपॉइंटेड कर दिया। और उसी दिन, वही दिन के दौरान लगभग 2:30 बजे ऐसे समय में वो मंडल अपॉइंट हुआ है बोल के सुनाई मिला है। और साथ ही साथ में ग्रामीण कार्यकर्ता जितने भी थे उन लोगों का ये को भी, पद को भी हटा दिया गया, मतलब डिसॉल्व कर दिया गया पावर को। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं क्यों ऐसा मंडल हम लोग का, ये 37 का मंडल ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। और हम लोग का ये इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है बिना यहाँ का 37 का आवाम को बिना पूछताछ किए हुए यहाँ का ग्रामीण केंद्रों, ग्रामीण जितना भी कार्यकर्ता है उन लोगों को बिना पूछे वो डायरेक्टली कैसे वो उसको मंडल को, 37 का मंडल को वो अपना ये से अपॉइंट कर दिया है उसको। तो ये बात हम लोग का, हम लोग के लिए कुछ ठीक नहीं था। इसीलिए हम लोग और कुछ ये ऑफिस बेरा को भी वो बहुत सबको हटा दिया था अपना पद से। तो इसीलिए हम लोग ये मंडल को हम लोग यहाँ से, हम लोग का 37 वेस्ट पासीघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग का मंडल को उसका पद से हटने के लिए हम लोग ये कर रहा है, अपील कर रहा था। और अभी भी हम लोग जारी है अपील कर रहे हैं। जो ये सब हम मंडल के अगेंस्ट में स्ट्रगल चल रहा है उसको देखते हुए स्टेट का तरफ से एक कमिटी, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हम लोग का 37 का ग्रामीण कार्यकर्ता लोग को इंट्रैक्ट हुआ था। वो 13-14 ऑफ दिस मंथ, ये मंथ का 13-14 में हम लोग से, हम लोग को तीन मेंबर कमिटी डिस्ट्रिक्ट का तरफ से हम लोग को इंट्रैक्ट हुआ है। और वो लोग का साथ हम लोग भी, वो लोग को भी बताया है कि हम लोग का क्या क्या ये था, मंडल को किस लिए हम नहीं चाहिए, मंडल 37 में क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब कारण हमने बताए थे उन तीनों ये को, कार्यकर्ताओं को। और उसी के दौरान ये एक हम लोग यो मीटिंग चल रहा था उस समय, और उसमें हम लोग जितना भी हम लोग उसमें उस समय उसको बता रहा था, वो तीनों को हम लोग का अपना ग्रीवेंसेस को हम लोग ने उसको बताया, हर कोई बस्ती बस्ती का आके बताया था। तो उस समय उसी दौरान एक सर्कुलर इशू हुआ था ये सर नामसुम के तरफ से, नामसुम सर के तरफ से। तो उसमें लिखा गया था कि या ये 2024 तक कोई ये रिप्लेसमेंट नहीं होगा किसी भी मंडल का एंथायर अरुणाचल में। तो ये सर्कुलर देखने के बाद हम लोग भी थोड़ा ये किया था, लेकिन वो नामसुम सर का सर्कुलर को देखा है, तो उसका लेटर को देखा है, ऑर्डर को देखा है, तो हम लोग देखा गया है कि उसमें कुछ ऐसे ऑफिशियली कुछ खामियां थी, जैसे कि उसमें उसका ये का पार्टी का ऑफिशियल सील ये नहीं था, ये सब भी नहीं मारा हुआ था, बस उसका एक सिग्नेचर था। इसके बाद वो सर्कुलर इशू कर दिया गया था, सर्कुलेट किया गया था। इसके बाद ये सर्कुलर को हम लोग देख के हम लोग भी सोच रहा था कि शायद ऐसा भी कुछ पार्टी का नियम होता होगा, पर भी आज फिर हम लोग ये सर्कुलर के बाद फिर आज देखने में आया है कि प्रेसिडेंट तरफ से कुछ सर्कुल दिखाई दिया है कि दो आदमी फिर से, दो मंडल फिर से रीअपॉइंट किया गया है। वो भी उसका नाम हम आप लोग को बता देते हैं, 19/10/2023 को वो दो आदमी को अपॉइंट किया गया है, जो कि आज का दिन है। और वो दो आदमी के नाम है अलोंसो कमलाय
तेजू का है एंड कालिंग मान्यू ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट का। तो हम ये सब देख रहा है कि अगर लोहित डिस्ट्रिक्ट और तेजू में ये सब मंडल बदला जा सकता है तो हम 37th वाले इतने दिन से हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, स्टेट लेवल तक हम लोग जितना भी हम लोग सकता था हम लोग का लेवल हम लोग वहाँ तक दिखाया है वो लोग को अपना जितना भी यहाँ का हम लोग का 37th बीजेपी पार्टी का हम लोग का दास्तान सुनाने के लिए। और जितना भी थे हम लोग जितना भी हम लोग कर सका है हम लोग इतना कर लिया था, लेकिन आज दिखाई मिला है कि फिर से दो आदमी रीअपॉइंट किया, दो आदमी न्यूली अपॉइंट किया है तो ऐसा कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेट का जो हाई कमिटी लोग है वो लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा 37 पे भी गौर करें और हमारा 37 का मंडल पर भी आप लोग गौर करें और 37 का मंडल किस तरह का है आप लोग उसे भी आप लोग का तरफ से भी आके देख सकने से भी अच्छा है और आप लोग खुद प्रैक्टिकली उसको आके यहाँ में पूछताछ करने से अच्छा है। और आप लोग को ऐसे करने के लिए हम 37 के बीजेपी नागरिक सब आप लोग को साथ देंगे। और ये बात कहते हुए हम आज का ये ब्रीफिंग को यहीं पर हम समाप्त कर देते हैं। और ये कहते हुए हम सियांग वॉइस को भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सियांग वॉइस।